इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी कमांड रिप्लेस की लास्ट वीडियो में हमने अपनी कमांड यूज़ की थी फाइंड की और फाइंड की मदद से हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेलिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ और इवन बेस्ड ऑन फॉर्मेटिंग उनको फ़ाइंड किया था और इस वीडियो में हम उनको चेंज करके देखेंगे कि हम उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं मैं हूँ अपने डॉक्यूमेंट वर्ड ओ थ्री डैश फाइन अंडर स्को रिप्लेस इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें वेबसाइट से मैं हूँगा एडिट पे और यहाँ पर मेरे पास कमांड है रिप्लेस की जिसकी आगे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच इन तीनों में से आप कोई भी कमांड खोल लें आपको एक ही विंडो खुलेगी जिसमें तीनों टैब्स अवेलेबल होंगी मैं करता हूँ फाइंड को तो देखिए मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस की खुल गई और मेरे पास यहाँ पर रिप्लेस की टैब है मैं क्लिक करता हूँ रिप्लेस की टैब और हम यहाँ पर आके जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स फाइंड किए थे हम उनको दोबारा से फाइंड करके देखते हैं और फिर हम उनको रिप्लेस करेंगे या yes, इसमें क्लिक करता हूँ नो फॉर्मेटिंग ताकि सारे मेरे क्राइटेरियाज़ वो ब्लैंक हो जाए यहाँ पर आके मैं वर्ड सर्च करता हूँ अपना इंफॉर्मेशन और यहाँ पर आके करता हूँ फाइंड एक्स तो देखिए इसने यहाँ पर उसको कर दिया हाईलाइट और मैं आके करता हूँ कि यहाँ पर फाइंड होल वर्ड्स ओनली कि जहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही वर्ड पूरा यूज़ हुआ हुआ उसको करें और इसको हम कर देंगे इन कैपिटल इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँ तो यहाँ से जो हाईलाइट किया हुआ है उसको यहाँ से करूँगा रिप्लेस उसने उसको कर दिया रिप्लेस पूरे कैपिटल में और उसने मुझे जंप कर दिया है नेक्स्ट वर्ड पे क्योंकि मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया चूज़ किया हुआ फ़ाइंड होल वर्ड्स ओनली यानी वो वर्ड्स जिसमें मेरे पास ये वर्ड इन्फॉर्मेशन यूज़ हुआ हुआ है और उसने वो स्किप कर दिया जैसे हमारे पास यहाँ वर्ड है इन्फॉर्मेशन बिकॉज उसमें साथ एस्था यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको दोबारा रिप्लेस कर लूँ रिप्लेस ऑल कर लूँ या इवन फाइंड नेक्स्ट कर सकता हूँ मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल लेकिन उसने यहाँ पर मुझे डायलॉग बॉक्स दिया है वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड थ्री रिप्लेसमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट में उसने तीन वर्ड ढूंढे थे इन्फॉर्मेशन जहाँ लिखा हुआ था और उनको रिप्लेस कर दिया है कैपिटल में जैसे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसको मैं अगर ओके करूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने चेंज किया है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ चेंज किया और एक इन्फॉमेसन उसने यहाँ चेंज कर दिया इन कैपिटल बिकॉज़ इन तीन जगहों पर हमारे पास वर्ड एज़ इट इज़ इन्फॉर्मेशन ही आ रहा था हमने यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया अप्लाई किया हुआ है फाइंड होल वर्ड्स ओनली यानी यहाँ पर पूरा वर्ड यूज़ हुआ हुआ है उसके साथ कुछ एडिशनल अल्फ़ाबैट्स जैसे इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशनल वो ना आ रहे हो अब हम एक और देख लेते हैं स्नारी मेरे पास यहाँ वर्ड है पॉलिसी हम उसको पहले फाइंड करवाते हैं पॉलिसी और साथ फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स जिसको क्लिक किया फ़ाइंड ऑल किया तो इसने मेरे पास पॉलिसी तो हाईलाइट कर दिया है उसके अलावा मेरे पास पॉलिसीज़ जो इसका प्लूरल फॉर्म है उसको भी हाईलाइट कर दिया अब हम देखेंगे कि हम इसको करेंगे रिप्लेस तो मार्क्स ऑफ वर्ड हमें किस तरह हेल्प करेगा इवन हमारी प्लूरल फॉर्म को भी प्लूरल ही रहने देगा मैं आऊँगा रिप्लेस में यहाँ पर आके मैं कहता हूँ पॉलिसी और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इसको चेंज कर दे इनवर्ड गाइडलाइन और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट उसने मैं पहला किया अब देखिए इसने मुझे यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म और इवन प्र फॉर्म दे दी है कि मेरे पास यहाँ सिंगुलर ही था मैं कर दूँगा रिप्लेस नेक्स्ट पे ले गया यहाँ भी उसने मुझे दोनों फॉर्म्स दी हैं मैं कर दूँगा रिप्लेस नेक्स्ट पर गया पॉलिसी यहाँ भी सिंगलर है तो मैं इसको गाइडलाइंस से करूँगा रिप्लेस अब देखकर यहाँ पर आके उसने ये सेलेक्ट तो कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया था फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स यानी सिंगुलर हो या इवन प्लूरल भी हो उनको भी सर्च कर दे यहाँ पर मुझे जितने मेरे रिप्लेस वर्ड के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स आए थे उसने यहाँ मेंशन कर दिए हैं अब यहाँ पर मेरे पास प्लूरल फॉर्म में है इसको मैं कर दूँगा गाइडलाइंस रिप्लेस कर दिया और उसने मेरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड्स चेंज कर दिए हैं उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ इसने वर्ड्स चेंज किए हैं प्लस उसने जहाँ जहाँ पर कैपिटल वर्ड्स यूज हो रहे थे उनको कैपिटल ही लैंड दिया हम देखें यहाँ पर जी कैपिटल लैंड दिया और जहाँ स्मॉल वर्ड थे उनको स्मॉल लैन दिया तो इस तरह हम बहुत ईजिली अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं मार्क्स ऑफ वर्ड में अब हम एक और स्नैप देख लेते हैं वो है हम अपने फॉर्मेटेड फॉन्ट को चेंज करेंगे यूजिंग रिप्लेस लास्ट वीडियो में हमने ये दो वर्ड सर्च करवाए थे बेस्ड ऑन फॉर्मेटिंग कि उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट थी मीन्स कि इनका जो फॉन्ट था वो एलि ब्लैक और जो बाकी डॉक्यूमेंट है उसका फॉन्ट डिफरेंट था क्लेबरी तो मैं आके इन वर्ड्स को रिप्लेस करवाऊँगा मैं आता हूँ अपने फाइंड वर्ट में और यहाँ पर आके हम क्राइटेरिया मैंशन करते हैं फॉन्ट और फॉन्ट फाइंड करिए एली ब्लैक ऐसे मैंने सेलेक्ट किया एली ब्लैक ओके कर दिया और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दे फॉर्मेट पे आता हूँ फॉन्ट मैं कहता हूँ उसको रेड कलर दे दे और उसको डबल अंडरलाइन कर दे यहाँ से ओके okay करता हूँ अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल इसने क्या किया मेरे पास दो वर्ड्स जो एरिया ब्लैक में थे उनको सर्च किया और उनको रिप्लेस कर दिया जो मैंने मेंशन किया था यानी उसको डबल अंडरलाइन और उसका कलर है उसको रेड कर दिया जो फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स है इसको बेटर समझने के लिए इस कोर्स में आगे एक वीडियो है एडवांस्ड टैक्स फॉर्मेटिंग, आप उसको देख लें और फिर दोबारा आके आप रिप्लेस की वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ जाएगा तो इससे हम रिप्लेस करते हैं अपने वर्ड्स को और इवन अपनी फॉर्मेटिंग को बेस्ड ऑन आवर क्राइटेरिया नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपनी गो टू कमांड